हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं रेल न्यूज। दोस्तों, आज की पहली खबर रेलवे के लोको पायलट को लेकर है। लोको पायलट के साथ अभी होता क्या था कि अगर किसी गलती से रेड सिग्नल को जरा सा भी क्रॉस कर जाते थे तो उनको जो है चार्जशीट लगाकर बर्खास्त कर दिया जाता था, यानी कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता था। लेकिन अब रेलवे के द्वारा एक ऐसा रूल निकाला गया है जिसमें लोको पायलट को एक सहूलियत दी गई है कि अगर वह गलती से किसी भी रीजन से रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाते हैं तो उनको बर्खास्त नहीं किया जाएगा। उनको बस पूरी ज़िंदगी उसी पोस्ट पर बिना किसी इंक्रीमेंट के बस ट्रेन चलाते रहना है, ना तो उनका प्रमोशन होगा ना तो उनका इंक्रीमेंट होगा। तो यह उनके लिए इस तरह की सज़ा दी गई है। पहले उन्हें निकाल दिया जाता था लेकिन अब उन्हें निकाला नहीं जाएगा, उन्हें ऐसी सज़ा दी जाएगी। और जब तक उसकी छानबीन नहीं हो जाती कि उस आखिर लोको जो पायलट जो है लोको को क्यों आगे लेकर गए, हो सकता है कुछ टेक्निकल रीज़न हो, ब्रेक ना लगा हो या कुछ और वजह के कारण वो रेड सिग्नल जो है उसको क्रॉस कर गए हों, तो अगर इसका पता चलता है तब उन्हें जो है आगे ये सारी चीज़ें मिलेगी, अदरवाइज वो उन्हें जो है पूरी ज़िंदगी उसी पोस्ट पर जॉब करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगली खबर बरौनी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस को लेकर है, जिसका कि अभी विस्तार सहरसा तक हुआ है। तो बरौनी के लोग जो है वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि रेलवे हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, यहाँ से जितनी भी ट्रेनें हैं वह धीरे धीरे करके छीनी जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। वह भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जो है इसे बरौनी से ही चलाया जाए, तो आगे देखिए क्या होता है, हड़ताल किस तरह से कम करते हैं और रेलवे इस पर जो है क्या करती है। दोस्तों, अगली खबर रेलवे के ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर है। बहुत सारे पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं रेलवे के ग्रुप डी को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको 100 की जगह 110 या 113 नंबर जो है दे दिया गया है। तो इसमें जो है रेलवे का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आ गया है, उनका क्या कहना है कि इस तरह की जो भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है, रेलवे की तरफ से इस तरह की रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। वो जो भी वायरल पोस्ट हो रहा है वो कोई एडिट करके और इस तरह से दिखा रहा है जिसमें रेलवे को जो है रिजल्ट को बदनाम किया जा सके, जबकि रेलवे का ऑफिशियली नोट यही नोटिफिकेशन है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारा रिजल्ट जो है सही सही हुआ है और सबको जो है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर नेल्लौर रेलवे स्टेशन को लेकर है। नेल्लौर रेलवे स्टेशन को इंडियन रेलवे के द्वारा स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 147 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके वहां पर वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज की मुहैया जो है सुविधा कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो है पूरे रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से मॉल वगैरह की सुविधाएं होंगी और जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी जिससे यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। दोस्तों, अगली खबर रेलवे के तत्काल टिकट के रिफंड रूल को लेकर है। अभी तक होता क्या था कि रेलवे के जो तत्काल टिकट है उसे आप अगर रिफंड कैंसिल करवाते थे तो आपका उसका रिफंड जो है नहीं मिल पाता था, लेकिन अब रेलवे का ऐसा रूल है कि अगर कोई ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो तब उसका अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं, उसे अगर कैंसिल करते हैं तब आपको उसका पूरा रिफंड दिया जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अगर आपका काउंटर टिकट है तब स्टेशन पर जाकर आप वहां पर इसे कैंसिल करेंगे और रीजन में दिखाएंगे कि ट्रेन जो है 3 घंटे लेट है, तब आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर ये ऑनलाइन टिकट है तब भी अगर वहां पे ऑप्शन दिया हुआ है 3 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर आप जो है इसे कैंसिल करवा कर और पूरा पैसा जो है रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर नागपुर मेट्रो को लेकर है, जिसका कि कल उद्घाटन हुआ था। तो आज जो है नागपुर मेट्रो के द्वारा जितनी भी राइड थी, दिन में 4 राइड थी, चारों राइड नागपुर मेट्रो के जो वहाँ के लोग हैं या जो भी इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए पूरी तरह से फ्री थी। मतलब कि इसमें जो है आप फ्री में पूरी जो है इसमें मेट्रो में घूम सकते थे। आज दिन के लिए नागपुर मेट्रो के सारे टिकट को जो है फ्री कर दिया गया था, तो यह बहुत अच्छी खुशखबरी है जो भी लोग वहाँ पर होंगे इस तरह से जो है अपना फ्री में ट्रैवल किए होंगे नागपुर मेट्रो में। दोस्तों, अगली खबर जबलपुर से है। जबलपुर के पास मदन महल जो रेलवे स्टेशन है उसे जो है पिंक रेलवे स्टेशन का नाम से घोषित किया गया, जिसपे जो है इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर सारे स्टाफ जो है वह लेडीज स्टाफ को रखा गया। इसमें जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जितने भी स्टाफ हैं सबको लेडीज किया गया, मतलब यहाँ पर जो भी टिकट का ट्रेन ऑपरेशन और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं जो भी जो काम डिपार्टमेंट होते हैं सारे काम जो है लेडीज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है कि लेडीज़ को इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे करके बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर लेडीज़ की जो है पूरी तरह से लेडीज स्टाफ रखे जा रहे हैं, तो यह एक रेलवे के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, आज के रेल न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं कल के रेल न्यूज में, तब तक जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।